प्रॉब्लम हो आपकी तो वह सेंड कर दीजिए आप मुझे, तो मैं जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लूँ पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज अरे कौन कोई कॉपीराइट का कोई केस करेगा क्या इस तरह, कोई नहीं करेगा। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में प्रॉब्लम आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर उसके अंदर देखो यदि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर जैसे 1 to 2 के बीच में है तो वो एक्स एक्स ही रहेगा आपका, राधे राधे राम राम जी। तो पहले तो चैप्टर 8 से रिलेटेड यदि कोई डाउट्स हो क्वेश्चंस में, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो क्वेश्चन मैं बता दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अपन बात करें। राधे राधे। बस शुरू करते हैं अब अपन। एट पॉइंट वन में क्वेश्चन नंबर 12 है। एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन, ये है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, परंतु यदि ये एग्जाम में आ जाए तो ये आप डायरेक्ट एकदम नहीं निकाल सकते इसकी वैल्यू। तो रफ फिगर यदि अपन बनाए तो रफ फिगर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और इसकी जो रेडियस है वह है 2, ये ओरिजिन, और x = 0 से x = 2, और वो भी कहां पे निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। x = 0 तो ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, और x = 2 आपकी पैरेलल टू y एक्सिस ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी। ये तो x = 0, ये x = 2 हो गए हमारे पास में, और इसके बीच में सर्कल के थ्रू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो बनता है वो एरिया में निकालना है। वैसे तो पाई आर स्क्वायर लगा के हम यहाँ पे सीधा कर सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 तो पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ 2 है, 2 पुट कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा पाई। अब इसको बाय इंटीग्रेशन यदि हम करें, इट मीन्स ये वाला रीजन चाहिए हमें यहाँ पे, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास में 0 to 2, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए हमें, ध्यान रखना है। गुड इवनिंग।
वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ जो हम लिखेंगे वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये गिवन है, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करें हम तो ये होगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स फोर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू एंड लिमिट जीरो टू टू। टू पुट किया तो फर्स्ट पार्ट जीरो, सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका फोर अपॉन टू टू साइन इनवर्स टू अपॉन टू साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन मीन्स हो जाएगा पाई बाई टू माइनस जीरो। पुट किया तो फर्स्ट पार्ट जीरो, सेकंड पार्ट भी जीरो, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास पाई। ठीक है, बिना देखो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो वहां तो आपको क्विक निकालना है, तो उसका तो अल्टरनेट आपके पास होगा इस तरह कि डायरेक्ट हम जो पाई आर स्क्वायर जानते हैं फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमने वो निकाल लिया। परंतु जब ऑब्जेक्टिव में नहीं आया है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ गिवन सर्कल बिटवीन जीरो टू टू, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उस केस में तो फिर हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख सकते हैं हम आंसर, मिस लीनेस का क्वेश्चन नंबर फोर में उसमें जो इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना था माइनस सिक्स टू जीरो तक फाइंड करना था हमें, तो उसका स्केच तो हमें बनाना पड़ेगा ना। स्केच में तो हमारे पास में एक्स के नेगेटिव पार्ट पर जीरो से लेके सिक्स तक जो आपके ट्राइंगल्स बने वो आपने लिए भाई, इस तरह के जो वहां ट्राइंगल लिए थे आपने, क्या ये माइनस थ्री था, ये जीरो है आपका और ये माइनस सिक्स था, तो माइनस सिक्स से लेके जीरो तक चाहिए था हमें वहां पे। नहीं वो क्यों लेंगे हम भाई, जो हमारा स्केच बना है वो देखिए, मैं यदि एक्स ने एक्स भी माइनस थ्री, एक्स अपॉन माइनस थ्री वाई अपॉन माइनस थ्री लूंगा तो ये जाएगा, तो एक तो ये नीचे वाला पार्ट बन रहा है मेरा यहाँ पे इसी का, तो इस वाले पार्ट को इस वाले एरिया को क्यों लूंगा मैं यहाँ पे, मैं इस वाले क्योंकि मुझे तो जाना सिक्स तक है ना, और एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री वाई अपॉन थ्री उसके लिए ये रीजन है हमारे पास में, हम उसके लिए मैं ये इधर वाला रीजन क्यों लूंगा मैं। ठीक है भाई, मॉड्यूलस तो इसलिए अपन ने लगाया था उसमें कि रिजल्ट पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव से मतलब एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मिसलिनियस का 15, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो इससे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। तो हमें 3/2 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है।
ये आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है हमारे पास में, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होता है हमारे पास में ये इस तरह का पैराबोला एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये तो हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, और इस सर्किल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई टू होल स्क्वायर, रेडियस थ्री बाई टू, ये पॉइंट हो गया थ्री बाई टू कोमा जीरो। अब यहां से मैं एल्टीट्यूड डालूंगा और अब उसके अंदर जो हमें एरिया फाइंड करना है, इन दोनों का एरिया निकालना है, तो एक तो एरिया हो गया ये वाला। अब उसके लिए पहले मैं इंटरसेक्ट पॉइंट निकालूंगा, तो ये पॉइंट होना मेरे पास जरूरी है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये पॉइंट होना जरूरी है मेरे पास में, ठीक। ये ओरिजिन ऐसे जीरो से हो गया ये हमारे पास में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम ऑफ फोर एक्स, तो 16x में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां 16x माइनस 9 इक्वल टू जीरो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो उससे एक तो रिजल्ट आया था हमारा 2x प्लस 9 और एक था 2x माइनस 1, ये कल बताया जो था इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड पेज ही है अभी तो ये, x इक्वल टू माइनस 9 बाई टू, ये तो आउटर में चल गया, अपने रीजन से बाहर का पॉइंट हो गया, इसलिए तो हम इसको लेंगे नहीं। x की जगह हम हाफ पुट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू हाफ, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट 2। प्लस वाला पार्टी ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हाफ कोमा रूट 2, और नीचे हो जाएगा हाफ कोमा माइनस रूट 2। तो जीरो से लेके मैं हाफ तक इंटीग्रेशन करूंगा, मैं एरिया निकाल रहा हूं यहां पर, एरिया इक्वल टू ट्वाइस टाइम, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों का एरिया निकाल रहा हूं, इसलिए ट्वाइस कर रहा हूं मैं, जीरो टू हाफ वाई डी एक्स। तो वाई में क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है मेरे पास में, तो ये हो जाएगा टू रूट एक्स प्लस हाफ टू थ्री बाई टू, और अब ये वाला रीजन निकाल रहे हम, इसके लिए लिमिट है हाफ टू थ्री बाई टू वाई डी एक्स, ये किसके थ्रू बन रहा है, सर्किल के थ्रू, वही ट्वाइस कर रहा हूं मैं यहां पे, सर्किल मीन्स वाई डी एक्स, तो सर्किल से वाई की वैल्यू निकाली आप, थ्री बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, देखो लिमिट जो जीरो से हाफ है उस वो किसके थ्रू बन रही है, वो एरिया किसके रीजन में है, पैराबोला के रीजन में है, इसलिए हमने पैराबोला से y की वैल्यू डाली है यहां पर, और हाफ से लेके थ्री बाई टू के अंदर जो रीजन हमारा बन रहा है वो सर्किल के थ्रू बन रहा है, ठीक है। तो हाफ से लेके थ्री बाई टू में y की जगह पे मैंने सर्किल की वैल्यू डाली है, क्वेश्चन नंबर 12। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, यहां मायगा नहीं आ रही, प्रॉब्लम यही है। हेलो,
x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये पॉइंट हमारे उस रीजन में नहीं है, सर्किल में तो है परंतु ये इस रीजन में नहीं है हमारे, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे। हमारा तो पॉजिटिव पार्ट के अंदर है तो x इक्वल टू हम हाफ लेंगे इसलिए यहां पर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 16। 12 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y इक्वल टू मोड x, तो मोड x का मतलब तो हो जाएगा हमारे पास माइनस x, x लेस देन जीरो और x x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहली चीज तो ये हो गई। इससे दो रिजल्ट मिलेंगे मुझे, एक तो हो गया y इक्वल टू माइनस x और एक हो जाएगा y इक्वल टू x। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो होता है हमारे एलोंग वाई एक्सिस होता है, पैराबोला जो होगा ये, ये इस तरह का पैराबोला होगा हमारा। अब y इक्वल टू x जो होता है, y इक्वल टू x वो किस तरह जाएगा, x1 तो y1, x2 तो y2, x10 तो y10, इट मींस ये वाली लाइन होगी हमारे पास में, और y इक्वल टू माइनस x वाली जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन होगी आपकी। तो जो रीजन होगा वो रीजन ये होगा हमारे पास, ये रीजन होगा मेरे पास। देखो फिगर सिमेट्रिकल है, इट मींस दोनों साइड के जो रीजन होंगे वो इक्वल होंगे। फिगर में तो इक्वल नजर नहीं आ रहे हैं, पर जो दोनों साइड के फिगर होंगे वो इक्वल एरियाज में होंगे, कहना मतलब आपका। तो मैं किसी एक साइड का एरिया निकालूंगा उसका डबल कर दूंगा मैं यहां पर, y ग्रेटर देन x स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास में कौन सा रीजन हमें लेना है, y की वैल्यू ग्रेटर हो, कहने का मतलब। तो ग्रेटर तो मैं ये ऊपर वाला लूंगा, ये वाला रीजन लूंगा तभी तो होगा मेरे पास में, ये तो इनफाइनाइट तक है, इसमें तो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। और दोनों से रिलेटेड हो, आएगा कॉमन रीजन हमारा। यहां पहले मैं एल्टीट्यूड डालूंगा तो एल्टीट्यूड के लिए पहले मैं यहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स इनका इंटरसेक्ट पॉइंट निकालूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो x x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू वन, x इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जीरो और x इक्वल टू वन पे y की वैल्यू भी वन, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा वन वन, तो ये पॉइंट आ जाएगा वन कोमा जीरो, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे एरिया ट्वाइस टाइम जीरो टू वन, क्योंकि सेम वही एरिया इस साइड में भी है हमारे पास में लेफ्ट में, x के नेगेटिव पार्ट में भी वही एरिया होगा हमारा, चाहे तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस वन जीरो, माइनस वन टू जीरो लेंगे, बात वही है हमारे पास में। अब ट्वाइस एरिया होगा परंतु यहां पे पहले मैं इस लाइन का निकालूंगा तो ये पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप, मैं ओ ए लाइन के थ्रू जो एरिया निकालूंगा तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो आएगा ओ ए बी ओ, ये पूरा एरिया हो जाएगा मेरे पास, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट बिटवीन लाइन एंड पैराबोला है, ठीक।
तो पैराबोला का एरिया माइनस कर देंगे, इसलिए y1 माइनस y2 dx लेकर चलेंगे हम यहां पर। ट्वाइस टाइम 0 टू 1, y1 का मतलब लाइन, लाइन की वैल्यू y इक्वल टू x माइनस y2 की जो वैल्यू है, इट मींस पैराबोला, तो y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कीजिए आप 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 टू 1। 1 पुट किया तो हाफ माइनस 1 बाई 3 और 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 इंटू 1 बाई 6, तो 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं। इसमें दे रखा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू माइनस 2 2 x इक्वल टू 1। माइनस 2 2 1, और जो यहां पे y दे रखा है वो है x क्यूब dx, तो ये हो जाएगा x 4 अपॉन 4 माइनस 2 टू 1, माइनस 2 डाला तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 4 माइनस, सॉरी 1 डाला तो 1 अपॉन 4, और माइनस 16 डाला तो माइनस, माइनस 2 डाला तो माइनस 16 अपॉन 4, तो ये रीजन हो जाएगा हमारा माइनस 15 अपॉन 4। हेलो, हाँ नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्टली नजर आ रहा है ना अपने को, इसमें उसने कोई बाउंडेशन तो दी नहीं हमें, केवल लिमिट की बाउंडेशन है, तो माइनस 2 से 1 के बीच में जो अपने पास ग्राफ आएगा वो अपन ने निकाल दिया डायरेक्ट। हाँ यार, वो तो ध्यान दिया ही नहीं मैंने, वो उसको अपन को लेना पड़ेगा भाई। हाँ, लिमिट अलग अलग लेके करना पड़ेगा, माइनस 2 टू 0 वहां तो मोड लगाना पड़ेगा, ये सब गड़बड़ हो गया। हाँ, ये सब गड़बड़ हो गया, ये होगा मोड माइनस 2 टू 0 और ये होगा x क्यूब dx प्लस 0 टू 1 x क्यूब dx। अब करना पड़ेगा अपने को, तो इसमें तो होगा हमारे पास में मोड x 4 अपॉन 4 लिमिट माइनस 2 टू 0 प्लस ये हो जाएगा x 4 अपॉन 4 और लिमिट 0 टू 1, ये 0 पुट किया तो रिजल्ट 0, माइनस 2 पुट किया तो ये हो जाएगा आपका
16 अपॉन 4 और ऐसे इसका किया 1 पुट किया तो 1 बाय 4 और माइनस 0 तो ये होगा माइनस प्लस 16 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इट मींस 17 अपॉन 4 यस ठीक है। ये क्यूबिक के ग्राफ वो इस तरह का बनता है, ये इस तरह का, इस तरह के ग्राफ बनते हैं क्यूबिक के। ठीक है, ये नीचे वाला जो एरिया होगा ना हमारे पास, जैसे माइनस टू से ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होगा ये नेगेटिव में बन रहा है हमारे पास में, इसलिए अपन ने उसका मोड लगाया है। ऊपर तो हमारे पास में ये पॉजिटिव का रिजल्ट रीजन है तो उसमें कोई दिक्कत यही नहीं है हमें। सर एग्जांपल नंबर 14 मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 14 में रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स एक तो दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जो आपका x वेराइज करता है x लेस देन इक्वल टू 0 टू 2। अब इसमें जो फिगर बनेगा हमारे पास में, देखो इससे ले हम तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 तो ये हो गया x अपॉन माइनस 1 y अपॉन प्लस 1 इक्वल टू 1। एक्स वन और वाई वन इट मीन्स ये वाली लाइन होगी हमारी। और दूसरा जो है वह है पैराबोला। देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है वाई इक्वल टू वन पर, इट मीन्स जो पैराबोला है वह उसका वर्टेक्स इस जगह पर है आपका। भाई यहां पे आप यदि y इक्वल टू जीरो पुट x इक्वल टू जीरो पुट करते हो आप तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये 0 0 1 वाला पॉइंट हो गया ये हमारे पास में। इट मीन्स पैराबोला जो है वो आपका यहां से जनरेट हो रहा है। ठीक, तो ये पैराबोला इट मीन्स उसका वर्टेक्स यहां पर है हमारे पास, तो इस तरह ये पैराबोला ड्रॉ कर दीजिए आप। इट मीन्स ये इस तरह से पैराबोला ड्रॉ कर दीजिए आप। ठीक है, अब इस पैराबोला में उसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो है वाई छोटा हो अपने पास में, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वाई छोटा होगा तो इट मीन्स ये वाला रीजन हो गया हमारे पास में। ये वाला रीजन होगा। अब इसमें भी हमें पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना पड़ेगा। इट मीन्स वाई की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए एक्स प्लस 1
तो वन वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन। एक्स जीरो यदि मैं पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू वन आती है, और एक्स इक्वल टू वन पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू टू आती है मेरे पास में। तो कहना है मतलब एक पॉइंट तो ये था इसे, और एक पॉइंट जो ये आपका बना ये हो गया अपने पास में वन कोमा टू, ये वाला पॉइंट वन कोमा टू। यहां से एल्टीट्यूड आप डाल दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास में वन कोमा जीरो, ये जीरो जीरो इसे आपका। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वह है टू तक के लिए, तो ये टू तक का भी आपने ये एल्टीट्यूड डाल दिया, ये पॉइंट हो गया आपका टू कोमा जीरो। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, जीरो से लेके वन तक तो मुझे पैराबोला का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा, और वन से लेके टू तक मुझे लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहां पर। तो जो एरिया होगा जीरो टू वन पैराबोला, पैराबोला मीन्स वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, प्लस वन से लेके टू तक जो आ रही है वो लाइन आ रही है आपकी लाइन है एक्स प्लस वन। भाई इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा वन बाय थ्री प्लस वन एंड माइनस जीरो प्लस फोर अपॉन टू, टू प्लस टू माइनस हाफ माइनस वन, थ्री वन फोर बाय थ्री, और टू टू फोर में से कम तो ये हो गया आपका थ्री, थ्री माइनस हाफ माइनस हाफ टू एंड हाफ, टू टू या फोर वन, फाइव बाय टू इनका एलसीएम ले लीजिए सिक्स, ये हो जाएगा फोर टू या एट, फाइव थ्री या फिफ्टीन, थर्टी ट्वेंटी थ्री अपॉन सिक्स। ठीक है, हेलो भाई, देखो यहां पे दे रखा है कि y less than equal to x square plus 2, तो यहाँ पे मेरे पास में y की वैल्यू x square plus 1 से कम हो तो कम होगी तो मेरे पास में जो पैराबोला का जो जो पैराबोला है उसके नीचे का रीजन, और y less than equal to x plus 1 यदि मैं लेता हूं, यदि मैं इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट लेता हूं क्या, तो y ग्रेटर होगा, और नीचे वाला लेता हूं तो x ग्रेटर देन होगा मेरे पास में। ठीक, तो चले नेक्स्ट पेज पे। अब नहीं है कोई डाउट, चले अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें हम, चैप्टर नाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन जो आता है वो है
ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं हम यहाँ पर, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? देखिए ऑर्डर सिंपल हम डिवाइड बाय डीएक्स आपने लिखा तो हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा सेकंड डेरिवेटिव, तो ये ऑर्डर है हमारा। इसको आप ऐसे भी डिनोट करते हैं y ट्रिपल डैश, या इसे y1, इसे y2, इसे y3 से भी डिनोट करते हैं आप। हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो पढ़ा था वहां पे ये इस तरह का y1 y2 y3 के फॉर्मेट में भी हमारे को क्वेश्चंस दिए हुए थे।